बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम रिलेशनल, लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर को इफ एल स्ट्रक्चर में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं, सब में रिलेशनल ऑपरेटर्स को ही यूज किया है। जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू जैसे तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स को हमने इफ के कंडीशन में अप्लाई करना सीख लिया है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम ऑपरेटर्स हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के लिए यूज किए हैं। जैसे कि अभी हमने जितनी भी कंडीशंस देखी हैं, ये सब सिंगल एक्सप्रेशंस पर ही मबनी थी। अब दोस्तों, अगर आप एक ही कंडीशन में मल्टीपल एक्सप्रेशंस को एवेलुएट करवाना चाहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास तीन नंबर्स हैं, 4, 5 और 3, और आप चेक करना चाहते हैं कि क्या 4 जो है वो 5 और 3 दोनों से बड़ा है, और अगर ये दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर आप प्रिंट करवा देंगे कि 4 इज ग्रेटर। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप दो इसकी कंडीशंस लगाएं, पहली कंडीशन में चेक करवाएं कि 4 इज ग्रेटर देन 5 और दूसरी इसकी कंडीशन में चेक करवाएं कि 4 इज ग्रेटर देन 3, और अगर इनमें से दोनों या फिर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट कर दे कि 4 इज ग्रेटर। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस तरीके में आप गौर करें तो हमें ना सिर्फ दो दफा अलग अलग इफ की स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ रही हैं, साथ के साथ हमें सेम प्रिंटफ की स्टेटमेंट भी 2 times लिखनी पड़ रही है। तो इस लेंथी प्रोसीजर को छोटा करने के लिए सी आपको प्रोवाइड करता है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, जिनके जरिए आप एक ही इफ की स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करवा सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम अभी आपके सामने मौजूद है, जो कि 4 स्टेटमेंट्स पर मुश्तमिल है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू हम इसको बआसानी 2 स्टेटमेंट में तब्दील कर सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, ये जो पहली कंडीशन आपको नजर आ रही है, ये तो कहलाएगी पहली कंडीशन, इसके बाद ये हो गई दूसरी कंडीशन और ये है लॉजिकल ऑपरेटर और। अब दोस्तों, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेटर और है, इसीलिए ये पहले चेक करेगा कंडीशन 1 को, देन चेक करेगा कंडीशन 2 को। अगर इनमें से दोनों ही कंडीशन ट्रू हो जाती हैं या फिर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर ये प्रिंट कर देगा 4 इज ग्रेटर। यानी लॉजिकल ऑपरेटर और के थ्रू आप एक ही इफ की स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मल्टीपल से मुराद सिर्फ 2 कंडीशंस नहीं है, बल्कि आप 2 या 2 से भी ज्यादा कंडीशंस को एक साथ चेक करवा सकते हैं, और अगर तमाम कंडीशंस में से किसी एक का भी आंसर ट्रू आएगा तो ये इफ के ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर तमाम स्टेटमेंट में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं करती, यानी तमाम की तमाम कंडीशंस ही फॉल्स रिटर्न करेंगी, तब ही ये इफ के ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरह दोस्तों, जिस तरह लॉजिकल ऑपरेटर और को आप इफ की स्टेटमेंट में लिखते हैं, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर एंड को भी इफ की स्टेटमेंट में मल्टीपल कंडीशंस को बैक वर्क चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इससे पहले वाली इफ स्टेटमेंट में हम और की जगह, यानी इस और ऑपरेटर की जगह अगर हम एंड ऑपरेटर को लिख दें, तो अब ये एंड ऑपरेटर भी मल्टीपल कंडीशंस को एवेलुएट करेगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लॉजिकल और के थ्रू जितनी कंडीशंस चेक होंगी, उनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो ही ये इफ के ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन लॉजिकल एंड बिल्कुल ओपोजिट है, ये लॉजिकल और से बिल्कुल ही अलग है लॉजिकल और से, क्योंकि लॉजिकल एंड के थ्रू जो कंडीशन चेक होंगी, उनमें से तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू रिटर्न करेंगी तब ही ये इफ के ब्लॉक में जाएगा, वरना नहीं। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये इफ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। यानी लॉजिकल और जो है, इसके अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ के ब्लॉक के अंदर रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन लॉजिकल एंड के अंदर, यानी अगर आप लॉजिकल एंड के थ्रू इफ के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, तो तमाम की तमाम कंडीशंस का ट्रू रिटर्न करना जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। यानी अगर आप मल्टीपल कंडीशंस को एक इफ स्टेटमेंट में एक साथ एक ही वक्त में एवेलुएट करवाना चाहते हैं,
तो ये आप बा आसानी लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर। दोस्तों ये इसकी डेफिनेशन देखिए, द कंडीशनल ऑपरेटर इज यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द इफ एल्स स्टेटमेंट। दोस्तों अभी तक हम इफ एल्स स्टेटमेंट को पढ़ते आए हैं, यानी जब कभी भी हमें दो ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तो हम इफ की स्टेटमेंट में कंडीशन लिखते हैं। उस कंडीशन के ट्रू रिटर्न होने पर हम इफ की बॉडी में रखे ऑप्शन वन को एग्जीक्यूट कराना करवाते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है तो फिर हम एल्स की बॉडी में रखे ऑप्शन टू को एग्जीक्यूट करवाते हैं। विच मीन्स कि जब कभी भी हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं तो उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम इफ एल्स को यूज करते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये इस पूरे इफ एल्स के ही जैसे काम करते हैं, यानी आप इफ एल्स लिखें या कंडीशनल ऑपरेटर यूज करें, दोनों ही एक तरीके से काम करेगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले आप इसका सिंटेक्स देखिए। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कहलाता है कंडीशनल ऑपरेटर, और ये कंडीशनल ऑपरेटर एक टर्नरी ऑपरेटर है। जैसे यूनरी ऑपरेटर में आपको एक्सप्रेशन में सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होता है, बाइनरी में दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं, ऐसे ही टर्नरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें आपको लाजमी तीन ऑपरेंड्स चाहिए ही होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है ये भी एक टर्नरी ऑपरेटर ही कहलाता है, क्योंकि यहाँ भी हमें तीन ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड है, ये पहला ऑपरेंड, ये दूसरा ऑपरेंड और ये तीसरा ऑपरेंड। और अगर इनमें से कोई एक भी ऑपरेंड आप मिस कर देंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। अब दोस्तों जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि ये इस कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू आप इफ एल्स की पूरी स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, किस तरह आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ ये जो पहला ऑपरेंड की जगह है यहाँ आप कंडीशन लिख देंगे जो आप इफ की स्टेटमेंट में लिखते थे, यानी ये जो कंडीशन आपको नजर आती है ये आप इस ऑपरेंड वन की जगह लिख देंगे। इसके बाद है ये कंडीशनल ऑपरेटर। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन में, यानी सेकंड ऑपरेंड में वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो कि आप इफ की बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, और फिर इसके बाद आ जाएगा कोलन, और कोलन के बाद थर्ड ऑपरेंड की जगह वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो कि आप एल्स की बॉडी में एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, यानी यहाँ पर इस ऑपरेंड टू की जगह वो तमाम स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो कि आप इस कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे। ऐसा ही होता था ना कि जब आप इफ की कंडीशन ट्रू होती थी तो ये स्टेटमेंट चलती थी। तो अगर आपने यहाँ पर इस कंडीशन रख दी, अब इस कंडीशन के ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट लिख देंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, और कोलन के बाद आप वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कि आप इस कंडीशन के फॉल्स होने पर यहाँ पर लिखते थे, यानी यहाँ पर इस कंडीशन के फॉल्स होने पर हम एल्स की बॉडी में रखी स्टेटमेंट को लिखते थे। तो अब इस ऑपरेंड थ्री की जगह आप इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, और आखिर में दोस्तों आप टर्मिनेटर लगा देंगे जो कि ये बताएगा कि अब ये कंडीशन, अब ये पूरी एक स्टेटमेंट एंड हो चुकी है। अब दोस्तों ये कंडीशनल ऑपरेटर क्या करेगा, दोस्तों ये कंडीशनल ऑपरेटर सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को चेक करेगा, यानी जो भी आप यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे ये उसको चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने पर जो भी स्टेटमेंट्स आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, यानी यहाँ रखी गई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर यहाँ कोलन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी इनको एग्जीक्यूट कर देगा। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है जिसमें हमें दो नंबर्स हमने इनपुट देने हैं, ए और बी, और अब हम चेक करवाना चाहते हैं कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम इफ एल्स स्ट्रक्चर के थ्रू बनाएं तो वो कुछ इस तरह का होगा। ये हमने दो नंबर्स इनपुट दे दिए ए और बी, अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे कि क्या ए जो है वो बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे कि ए इज लार्जर, और यहाँ पर हमने ए का रेफरेंस दे दिया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये प्रिंट कर दे कि b इज लार्जर, यानी जो भी ये नंबर हमने b इनपुट दिया होगा ये उसको लार्जर कर देगा। अब आइए दोस्तों इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, पहला नंबर हमने दिया है 4, यानी जो a है हमने दिया है वो 4, और सेकंड नंबर हमने दिया है 6। अब दोस्तों इसने बता दिया कि 6 इज अ लार्ज नंबर, यानी यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस पूरे इफ एल्स स्ट्रक्चर को हटाकर
अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इसको बनाएं तो वो कुछ इस तरह से होगा। पहले इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर हमने इस पूरे प्रोग्राम को कमेंट में डाल दिया। अब दोस्तों हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखनी है वो एक्सप्रेशन, वो कंडीशन जो कि आपको चेक करवानी है। तो यहाँ पर हमें इफ के आगे लिखी गई कंडीशन को चेक करवाना था, हमने लिख दिया ए इज ग्रेटर देन बी। इसके बाद आप लगाएंगे कंडीशनल ऑपरेटर इस तरह से। इसके बाद दोस्तों अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो जिन स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं यहाँ पर आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर इस कंडीशन के ट्रू होने पर हम इस स्टेटमेंट को लिखना चाहते थे, हमने इस स्टेटमेंट को कॉपी किया कंट्रोल सी से और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों आप कोलन लगाएंगे और कोलन लगाने के बाद उस स्टेटमेंट को लिखेंगे जिसको आप इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर आप इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमने इस स्टेटमेंट को लिख दिया और आखिर में हमने लगा दिया टर्मिनेटर। अब दोस्तों अगर तो ये हमने बिल्कुल सही सिंटैक्स लिखा है तो आपका रिजल्ट भी वही आना चाहिए जो कि इस इफ एल्स स्ट्रक्चर के प्रोग्राम का आया था। कंट्रोल एस करेंगे और फिर इसको रन करेंगे और ये देखिए इसने हमसे पूछा एंटर टू नंबर्स, हम वही नंबर्स एंटर करते हैं 4 और 6 और ये देखिए यहाँ पर इसका रिजल्ट आया है 6 इज द लार्जर नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी इफ एस स्ट्रक्चर को इस सिंगल स्टेटमेंट में तब्दील कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशनल ऑपरेटर। दोस्तों यहाँ पर हमारे इस टॉपिक का इख्तिताम हुआ, यानी लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर को आप इफ एस स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज कर सकते हैं इसकी डिटेल्स हमने देखी और यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का भी इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।